टेस्टिंग हुई है, क्या है पूरा प्रकरण? ये चार लोग ये पकड़े गए हैं, ये एक गैंग है जो पुलिस की वर्दी पहनकर जीवनसाथी.com के माध्यम से जो संभावित गर्ल्स होते हैं जो वर्दी धारकों को पसंद करते हैं और उनसे शादी करने के इच्छुक होते हैं उनको ये लोग टारगेट्स बनाते हैं। यह आदमी इंस्टाग्राम पर अलग अलग पुलिस के समारोह में सम्मिलित होकर अलग अलग जगह ड्यूटी में खड़े होकर अलग अलग महत्वपूर्ण पर्सन्स के साथ खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचाता था और इंस्टाग्राम पर देता था, जो कि सबको ये प्रतीत हो कि ये आदमी पुलिस का कर्मचारी है, ये सब इंस्पेक्टर पुलिस में है। इसके बाद मैरिज प्रपोजल जब आता था तो ये उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाता था और उसके बाद ये कहता था कि मेरी माताजी को हार्ट अटैक हो गया है, कृपया मेरे को पैसे उपलब्ध करा दीजिए, मेरे पास 10 लाख रुपए में से जितना भी 1.5-2 लाख रुपए है वो शॉर्ट पड़ रहा है। ये पैसे इनसे ले लेता था। इसके बाद ये दोस्ती के लिए फिर कहता था कि अब मैं मिल गया हूँ तो कृपया इसमें जीवनसाथी.com से आप बाहर आ जाइए, उनको वहाँ से लॉग आउट करा देता था, इंस्टाग्राम से उनको लॉग आउट करा देता था और फिर अपना नंबर बंद करके ये आदमी लापता हो जाता था। इस तरह ये ठगी लोगों के साथ करता आया है। ये 2019 से ये सक्रिय था और इसका कार्यक्षेत्र मिर्ज़ापुर, बलिया, लखनऊ, इलाहाबाद इसका कार्यक्षेत्र था। ये पूर्व में भी इलाहाबाद से और लखनऊ से पहले जेल जा चुका है इसी तरह की धोखाधड़ी करने में। आज़मगढ़ से इसके ऊपर 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। फर्जी वर्दी पहनकर गाड़ी में जिसकी नंबर प्लेट गलत थी उसका मुकदमा धोखाधड़ी करने का कायम किया गया। इससे फर्जी आईएनटी कार्ड इससे बरामद हुए हैं पुलिस के, इससे आधार कार्ड फर्जी बरामद हुए हैं, इससे पीएनओ नंबर जो गलत नेम प्लेट पर लगाया है वो बरामद हुआ है, इससे पूरी वर्दी बरामद हुई है जिसको ये पहनकर गाड़ी में बैठा हुआ था, इससे दो गाड़ियां बरामद हुई हैं जो ये चार लोग लेकर आए थे, दो एक गाड़ी में थे और दूसरी गाड़ी में थे। इन लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, इनकी HS खोली जाएगी, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी, इनकी प्रॉपर्टी जब्तीकरण किया जाएगा और इनका गैंग का पंजीकरण भी किया जाएगा, जो कि ये लोग हमेशा हमारी नज़र में रहें और आगे अपराध करने की जरूरत ना कर पाएं। सर, मुख्य आरोपी का नाम क्या है और ये जो अन्य सदस्य हैं उनकी क्या भूमिका है इसके साथ? धीरज सिंह इसका नाम है जो मुख्य आरोपी है और बाकी लोग इसका सहयोग करते थे। अगर मान लीजिए कि किसी के साथ ये घूम रहा होता था, पीछे से वो कॉल करके कहते रहते थे कि सर कॉल आ रहा है आपका, सर कौन सी धारा लगा दूं, सर आपकी VIP ड्यूटी लगी, इस तरह के बैकग्राउंड में इस तरह के ये लोग काम करते रहते थे, जो कि जो इनका शिकार है उसको ये आभास ना होने पाए कि ये फर्जी पुलिस वाला है। अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुका है अपना? ये अभी जब ये जेल जाएंगे तो हो सकता है हमारे पास और लोगों की संख्या बढ़ जाए, जब इनको पता लगेगा इस तरह का आदमी पकड़ा गया है तो हमारे पास और भी एप्लीकेशंस बढ़ने की संभावना है। अभी तक इनके ऊपर 6 मुकदमे इस आदमी पर कायम हैं। आजमगढ़, बलिया, लखनऊ मिलाके? जी हाँ, इलाहाबाद, लखनऊ और आजमगढ़ मिला के 6 मुकदमे।